डीटीएच न्यूज अब सब पर है नजर हमारी ना, फिर से नाम हम लोग दिए। इसके बाद भी अभी तक जो है ना, कुछ भी इनका नाम नहीं आया। तकरीबन कितने बार इनका नाम दिए होंगे? इनके नाम लगभग हम 6-7 बार दिए हैं। केशवराम का अभी तक कुछ नहीं हुआ, संज्ञान नहीं हुआ। जहाँ जनता दरबार भी लगी थी उसमें भी जो है केशवराम थे, उस समय हम लोग जो है वीडियो को भी बोले तो कहा कि ठीक है आप जो है नाम दीजिए, इनका काम हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है बेचारा का आधा घर गिर गया। जब पानी होता है तो पूरा घर में देख लीजिए, जो भी है हम लोग जो है गलत नहीं बोलेंगे, जो रियल है वो बोलेंगे। इसमें तकरीबन 4 साल, आज से 3 या 4 दिन पहले फनका सांप जो कि बहुत ही खतरनाक सांप होता है वो मिला है। 4 सांप, इसमें समझिए कि इंसान का रहने वाला नहीं, ये जानवर और सांपों का घर है ये। इस बीच में मतलब इंसान रह रहे हैं इस घर में। मेन चीज है कि लड़की, 3 लड़कियां हमारे बीच प्रखंड अध्यक्ष है, वो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, कुछ बोलिए। संग्रह पंचायत में जब पता चला कि केशवराम के पूरे संग्रह के सबसे गरीब व्यक्ति है, हमको पता चला, हम त्वरित यहाँ पर आने का काम किए हैं। आज पंचायत में जो केशवराम का घर जो देखा गया वो इंसान के रहने लायक घर नहीं है। मैं तत्काल प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो से मैं बात किया कि इनको तत्काल रूप से आवास व्यवस्था किया जाए, और नहीं तो हम लोग इसके लिए कानूनी कार्रवाई करने पर बात हो जाएंगे। जबकि यहाँ के लोकल आपको वार्डपति राजेंद्र राम ने भी कई बार पंचायत में कागज देने का काम किया है, लेकिन यहाँ के जो भी पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी हैं, इसका कोई सुधि लेने का काम नहीं किया है। चाहे जो भी यहाँ पर संबंधित, चाहे रोजगार सेवक हों, चाहे ग्राम सेवक हों, चाहे मुखियापति हों, इस केशवराम के प्रति कोई सुधि लेने का काम नहीं किया गया है। यहाँ पर यही होता है कि जो इस पंचायत में संपन्न लोग हैं उनको आवास देने के काम करते हैं। हाँ, इनके पास पैसा नहीं है कि पैसा देकर काम करावे, इसलिए इनको तत्काल रूप में मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित या पंचायत से जितने भी संबंधित पदाधिकारी हैं, इनको तत्काल रूप से आवास देने का काम करेंगे, अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी व्यवस्था करेगी, और पदाधिकारियों पर भी हम लोग भी अंकुश करने का काम करेंगे। और आज हम प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो से तुरंत हम बात किए हैं। जागो महतो ने अभी आश्वासन दिया है और हम चाहते हैं कि 1 महीना के अंदर इनको आवास का व्यवस्था किया जाए। एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, काफी नाम दे दीजिए।